बस्तर कला विकास केंद्र के सचिव श्री राकेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को बहुत विशेष बना दिया है, क्योंकि हम सभी सामान्य तौर से छत्तीसगढ़ और गुजरात के बारे में जानते हैं, पर आपका ये जो लंबा अनुभव है बस्तर में काम करने का और छत्तीसगढ़ को जानने का, उससे हमारे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। और आपने समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका विशेष रूप से धन्यवाद भी करता हूँ। हमारी सहयोगी चंदना मंडल, जो छत्तीसगढ़ का कमान संभाले हुए हैं केंद्रीय विद्यालय का, उनको भी मैं विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी व्यस्ततम कार्यक्रम को किनारे रखते हुए इस महत्वपूर्ण वेबिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मेरी सहयोगी सुश्री भार्गवा मैडम, श्रुति भार्गवा मैडम और अनुराग भटनागर जी, उनको भी मैं विशेष रूप से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में श्रुति मैडम ने इस पूरे कार्यक्रम को एक अंतिम अंजाम तक पहुँचाने में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन किया है और इसलिए वो विशेष रूप से धन्यवाद की पात्र है। सभी प्राचार्य हमारे, सभी बच्चे जो गुजरात संभाग के हैं, गुजरात के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के और छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हुए हैं, अब उन सभी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। ये शारदीय नवरात्र का समय है और इस समय पूरे देश में जो एक सांस्कृतिक झांकी प्रेम का, उल्लास का, देवी की वंदना का है, ये देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से कोरोना के संकट ने उसकी गति को धीमी जरूर किया है, लेकिन मैं आज देख रहा था कि माँ दांतेश्वरी के मंदिर से लाइव आरती देखी जा रही है। तो अग्रवाल जी, कभी हम आएंगे तो माता जी के चरणों में जरूर अपना मस्तक टिकाना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि बस्तर ही वो ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा कहते हैं कि वो उसके इर्द गिर्द न केवल एक आध्यात्मिक संरचना है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को उसने संजो के रखा है। इसी तरह से गुजरात गरबा में पूरा डूबा हुआ होता है, अपने अपने रंगों में गुजरात जाना जाता है, देखा जाता है। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उस तरह से कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसके वेबिनार का जो आयोजन हो रहा है, ये इतने महत्वपूर्ण समय में ये भी हमारे लिए बहुत सुखद घड़ी है। 140वीं वर्षगांठ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जा रही थी 2015 31 अक्टूबर को, उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को हमारे सामने रखा था और तब से लगातार केंद्रीय विद्यालय और देश के तमाम राज्य, न केवल केंद्रीय विद्यालय, देश के तमाम राज्य एक भारत श्रेष्ठ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अभय चौहान जी, आप थोड़ा सा म्यूट करिएगा। एक दूसरे राज्य की भाषा, पहनावा, खान पान, लोक संस्कृति, कला, आंदोलन, अभी जो छोटी सी झांकी प्रस्तुत की गई, अब बहुत सुंदर झांकी थी, लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि महात्मा गांधी और विवेकानंद, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भी और गुजरात को भी बहुत प्रभावित किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, महात्मा गांधी 1920 में छत्तीसगढ़ गए और कहाँ गए, धमतरी। धमतरी के सुदूर प्रांतों में उन्होंने यात्राएं की और कुंडेल ग्राम सत्याग्रह, मतलब वहां पे लोगों से कर वसूल किए जा रहे थे। जब लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी वहां पहुंचने वाले हैं तो उनके हाथ पांव फूल गए और वो आंदोलन फिर वापस लेना, मतलब उनकी सभी मांगों को किसानों की माना गया। उस समय वो रायपुर होते हुए धमतरी गए थे। आज जो रायपुर का गांधी चौक है, वहां पे उन्होंने एक बड़ी विशाल सभा की थी। अग्रवाल जी, मैं सही कह रहा हूँ?
बड़ी विशाल सभा की थी, मतलब ऐसा कहते हैं कि उस समय के हिसाब से उस तरह का कोई पैरेलल आज के डेट में मौजूद नहीं है ना। और उसके बाद वो 1933 में गए और उस समय तो एक हफ्ते के ऊपर रहे। उस दौरान उन्होंने कई जगह, दुर्ग में उतरे थे, दुर्ग से फिर तमाम जगह वो होते हुए बालाघाट होते हुए वो लौटे थे। तो उस जमाने में महात्मा गांधी का, मतलब स्वाधीनता के भी पहले, है 1933 और 1920 में वहां पर होते। और गुजरात का तो कहना ही क्या, यहाँ वो पैदा हुए, साबरमती उनकी कर्मभूमि थी। साबरमती में पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, पूरे दुनिया के पत्रकार लोग हैं। जहां मैं हूँ यहाँ से 10-12 किलोमीटर पर साबरमती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमको ये अवसर दिया कि हम इतने अच्छी अच्छी जगहों को देख पा रहे हैं और उसका उपभोग कर पा रहे हैं। दूसरी महान विभूति जो है महात्मा गांधी से भी पहले, जिन्होंने भारतीय आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, वो थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद लगभग 3 साल 1877 से लेकर 79 तक, 1877 to 79 वो रायपुर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया उन्होंने। वहां उस समय उनको कोई जानता नहीं था, नोबडी में कोई उनका परिचय नहीं था। ये साधारण से सन्यासी थे, बोलते थे, लोगों को प्रभावित करते थे। बाद में वो जिन जिन स्थलों पर गए वो आज मेमोरियल के तौर पर जाना जाता है। नागपुर तक पहुंचे थे, ऐसा कहते हैं नागपुर से रायपुर वो बैलगाड़ी पे आए, ऐसी ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। और विवेकानंद गुजरात में भी रहे। विवेकानंद 1891 से लेकर 1892 तक, सितंबर 1891 से और लगभग 1 साल यहाँ रहे। और ऐसा कहते हैं कि जो विश्व धर्म सभा आयोजित हुई उसकी जो अवधारणा है कि यहाँ जाना है, ऐसा कुछ होने वाला है, वो जानकारी उनको तब मिली जब वो लोग काठियावाड़ा के आसपास परिभ्रमण पे थे। निखिलेश्वरानंद महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, विवेकानंद इन गुजरात, वो गुजरात सरकार भी हम लोग को मुफ्त में देती है, लेकिन बड़ी अच्छी पुस्तक है। मैं कहूंगा कि जो बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस पुस्तक को जरूर। तो ये दो महान विभूतियां हैं जो मुझे ध्यान आ रही हैं कि जिन्होंने, मतलब मैं लोक संस्कृति कला इन इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसको कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप यही एक शोध करें इस दौरान कि कहां कहां विवेकानंद गए पैदल, या कहां कहां महात्मा गांधी गए उन दिनों, तो ये अपने आप में एक बड़ा आई ओपनिंग सा काम होगा। और उस पर अगर आप बुकलेट बनाते हैं, उस पर अगर आप अपनी प्रस्तुति देते हैं वर्चुअल मीडियम से, तो ये आपके लिए भी सीखने का मौका होगा और उन सारे बच्चों के लिए भी सीखने का एक बहुत ही अनुपम अवसर होगा। ये वेबिनार एक शुरुआत है और ये कार्यक्रम काफी लंबा चलेगा हमारा। हमारी एक बहुत सशक्त टीम है प्राचार्यों की जो इस पूरे कार्यक्रम में लगी हुई हैं। इसमें अमरीश जी हैं, ममता मैडम हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं बीरम गांव के, राजकोट के, पोरबंदर के, श्रुति मैडम, मैं किसका नाम भूल रहा हूँ, हमारे जेवी मैडम दिख रही है इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। जेवी मैडम है, व्यास जी भी दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और एक जो पूरी टीम जो अभी आपको ये वेबिनार दिखा रही है, ये केवी सेक्टर 30 में बैठे हुए हैं, इसमें भी कई लोग लगे हुए हैं। तो ये एक संयुक्त प्रयास है जिसके माध्यम से हम लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं। ह्यूमन स्पिरिट इज इनडोमिटेबल, मतलब इसको आप नहीं दबा सकते। आप देखिए कोरोना जैसी महामारी में भी हम लोगों ने अपने किसी कार्यक्रम को रोकने नहीं दिया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर आगे बढ़ने का अवसर। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ के अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ और पुनः आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि वर्चुअल मोड से भी हमारा पूरा कार्यक्रम होगा, ये आप लोगों को एक नई दिशा, नई समझ देगा और छत्तीसगढ़ को और अच्छे से हम समझ पाएंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चे भी गुजरात को और अच्छे से समझ पाएंगे। और इस तरह से भारतीय एकता
समरसता और विविधता के जो रंग हैं उनमें और हम अपने आप को एकीकृत कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। The outset, let me congratulate Dr. Jaydeep Das ji and his entire team, Shruti Bhargav madam and the other principals, teachers and the students, of course, last but not the least, for this wonderful idea of this webinar, a very rightly intervention, that is at the right time intervention. It's a wonderful idea and congratulations, kudos to each and everyone. Or forgive me for using both the languages. और मुझे इसमें शामिल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्रवाल जी इससे जुड़े हैं, ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है और खुशी की भी बात है। ये एक्चुअली व्हेन आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर जयदीप दास स्पोकन सो वंडरफुली आफ्टर हिज एड्रेस आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। इट वाज अ वंडरफुल एड्रेस एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट व्हाट अ रिस्पांसिबिलिटी वी हैव एज वी मींस द टीचर्स द प्रिंसिपल्स एंड वी द एजुकेशनिस्ट टू टेल द चिल्ड्रन द नेक्स्ट जनरेशन अबाउट our own country. Our country is so big, so rich, and really the amount of diversity that we have, it's amazing. Jo itni vividhita hai shayad hi kisi dusre ye vishwa mein kisi dusre desh ke paas hai, itni vividhita hai aur itni cultural richness. और ये खासकर ये जो मिलेनियल जनरेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बड़ा आसान होता है, ये लोग ऑफ कोर्स दे वांट टू माइग्रेट टू दी मोर डेवलप्ड कंट्रीज बट एट द सेम टाइम दे शुड नो अबाउट देयर ओन कंट्री। दैट्स ओके इफ दे वांट टू प्रोग्रेस इन देयर करियर पाथ एंड मूव टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर वेरीड रीजंस फॉर व्हाटएवर, बट at the same time they should respect what the their own country has. First of all, know about it. Respect comes later only when they know about it. So that is very important, and that is the whole this idea revolves around that the our children must know that what our country has. Especially to these children, I would like to tell that it's been 3 years now that I am in Chhattisgarh. And before I came to this place, let me tell you honestly, I didn't know anything about the state. Despite being to many parts of the country by virtue of my transfer, and before that also, I had been to various parts of the country, all the parts, but I didn't know anything about Chhattisgarh except that okay, there is a state called Chhattisgarh which came into existence by actually it was carved out from erstwhile Madhya Pradesh. Isse zyada aur iski rajdhani Raipur hai, isse zyada mujhe sach mein nahi malum. And now I have had the opportunity to go across the state, and it is a wonderful state, aur jiske bare mein jankari logon ko kafi kam hai. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी इतनी सुंदर आपने प्रेजेंटेशन देखी जो छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को समाहित करने की जो कोशिश की है उसमें, और ये बेलाडीला माइंस में जो हेमेटाइट ओर है, दैट इज द बेस्ट ओर ऑफ आयरन वहां पे मिलता है। तब मुझे याद आया कि हाँ, बचपन में हम किताबों में हम रटते थे बेलाडीला, ये नाम मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा म्यूजिकल नेम लगता था बेलाडीला, तो अब मैंने वो देख भी लिया है। सो I hope that the children who are studying in the Ahmedabad region, the state of Gujarat, I hope that whenever you get the opportunity, do come to Chhattisgarh and do visit all those places, so that firsthand you come to know how rich this state is in every way that is possible. Or jahan tak ये जानने का क्या पर्पस है, एक दूसरे को जानना, क्योंकि हम डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो जितना हम एक दूसरे को जानते हैं तो
देन वी रियलाइज कि जो विविधताएं तो हैं पर उतनी ही उसमें समानताएं भी। दिस अप्लाइज टू नॉट ओनली अमंग द स्टेट्स ऑफ आर कंट्री बट ऑल्सो जब हम इंटरनेशनली हम किसी देश के बाहर भी जब जाते हैं तो हमारी चाहे कल्चरल विविधताएं जितनी भी हो जो ह्यूमन नेचर है ह्यूमन स्वभाव और ह्यूमन कंडीशंस है बाय एंड लार्ज हमारी समानताएं भी उतनी ही है। तो इसीलिए देन ओनली वी कम टू रिस्पेक्ट द अदर कल्चर्स कि तभी हम दूसरे कल्चर को जब जानेंगे तभी हम जानेंगे कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। वी सेलिब्रेट द डिफरेंसेस बिकॉज देन देयर आर मेनी इनहेरेंट सिमिलैरिटीज एज वेल सो वी सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस। एंड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली केवीएस में तो कई हमारे बच्चों के पेरेंट्स खासकर अग्रवाल जी के लिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं तो बच्चे काफी कुछ जानते भी हैं एक कंट्री के विभिन्न एरियाज को लेकिन जिनके की पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में नहीं है हो सकता है कि उन्होंने उतना देश को ना देखा हो तो उनके लिए ये सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है इस ईबी एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा के कार्यक्रम के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो अग्रवाल जी ही बोलेंगे और दैट इज व्हाट आई आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज टू द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन दोज हु हैव जॉइंड विद अस दैट रियली ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव गॉट वेरी रिच कल्चर एंड रियली द कंट्री इज अमेजिंग। सो एज जस्ट नाउ प्रूवन बाय दैट गर्ल हु सैंग सो ब्यूटिफुली सो आई कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल द चिल्ड्रन and also some children and teachers from Raipur region must have joined so convey my best wishes to them also so keep it up it's a very great effort all the best to all of you thank you सभी को मेरा अभिवादन। मैं राकेश अग्रवाल जगदलपुर बस्तर में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी जगदलपुर में शासकीय अस्पताल में चिकित्सक हैं और इस कार्य में मैं लगभग 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और 70 करीब आर्टिस्टों की फैमिलीज है जो हम लोगों के साथ काम कर रही है। मैं स्वयं मेरी जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा गुजराती स्कूल जगदलपुर में हुई है और वहाँ हमारा एक आर्ट का क्राफ्ट का पीरियड होता था लास्ट 4 बजे से 4:30 बजे तक का आधा घंटा था। उसमें हम लोगों को वुड कार्विंग की छोटी छोटी आइटम शुरुआत में बनाने का सिखाया जाता था। एनिमल फिगर्स एक की तीन चीज से हम लोगों को शुरुआती तौर पर सिखाया जाता था। 6 क्लास से हम लोगों को सिखाते हैं और बस्तर आर्ट जो है वो करीब करीब 300-400 साल पुराना इसका इतिहास है और जितने उपयोग की चीजें होती थी उनको बनाने में घरों के स्तंभ और वहाँ इस समय दशहरा में लोकल जो रथ एक बनाया जाता है और एक पूरे शहर में और हाथ से ही पूरा इसको बनाया जाता है। और वुड कार्विंग के अलावा 14 क्राफ्ट और हैं जिन पर यहाँ पर अलग अलग पैच वाइज कारीगर हैं जो काम करते हैं। बेल मेटल का है जिसका वीडियो आपने देखा है, पीतल लकड़ी लोहा लोहे के शिल्प पत्थर जो होता है लोहे का उसको गर्म करके पीट करके लोहे के फॉर्मेट में बना करके और उसके फिर क्राफ्ट बनाया जाता है और अभी काफ़ी मॉडर्न रूपों में भी उनको बनाया जाता है और हर गांव अलग अलग क्राफ्ट के लिए फेमस है। जगदलपुर हेडक्वार्टर है इसका, कोंडा गांव इसके बेल मेटल के करीब करीब 1500 शिल्पी हैं। उसके थोड़े से दूर पे सुरलो है वहाँ पर लोहे के शिल्पी हैं। करीब करीब 5000 शिल्पी बस्तर के पूरे आस पास में निवास करते हैं और यहाँ से हम लोग 95 से गुड़ क्राफ्ट से लेकर के इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं और पूरे विश्व में उसको यहाँ से भेज रहे हैं। शिल्पी भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जाते हैं और स्कूल के इस समय से ही हम इस कार्य को कर सकते हैं छोटे छोटे रूप को जिस प्रकार हम ड्राइंग करते हैं उसी प्रकार
इनकी जो ट्राइबल जैसे रहते हैं अपने घरों में, जैसे उनका जीवनचर्या होता है, मान लीजिए वो मार्केट जाते हैं, लोकल जितने जो प्रोड्यूस होता है, इमली है, आम है, और कुम्हार है अपने मटकी बना करके लेके बेचे जाते, इन सब का पिक्चराइजेशन हम लोग अपनी कलाओं में करते हैं। उनकी बस्तर की जो शैली है, लोग जैसा रहते हैं जीवन शैली, उसका पिक्चराइजेशन लकड़ी के आर्ट में, पीपल के आर्ट में करते हैं, और उनकी जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है उसके साथ उसको हम लोग तैयार करते हैं। लकड़ी वाले शिल्प के लिए औजार जो है हाथ से ही बनाते हैं, और किसी प्रकार का मशीन से उसको बनाना नहीं पड़ता। 30-35 तरह के पटासी बनाते हैं लकड़ी, आम की जाम की लकड़ी का इसका हथौड़ा बनाया जाता है, और धीरे 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 सागवान की लकड़ी पर पीट करके उसको कटिंग करके पहले ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के उपरांत धीरे धीरे उसको कटिंग करते हुए एक मूर्ति का रूप देते हैं। पीतल का जो क्राफ्ट होता है उसको बेल मेटल कहते हैं। शुरुआती दौर पर जब मंदिरों में जो घंटी में जो कॉम्बिनेशन यूज होता था, कॉपर रॉ फॉर्म में जिंक और एलॉय मेटल ही, और इसको बेल को बनाने में जो कॉम्बिनेशन यूज होता था उस कॉम्बिनेशन को यूज करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को लास्ट वैक्स प्रोसेस बोलते हैं, मतलब एक मिट्टी का मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड में गोबर, कोयला और मिट्टी, जो डीमो पॉली मिट्टी होती है उस मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को ऐड करते हैं, उसका मोल्ड बना के उसमें मधुमक्खी का मोम निकालते हैं, उस मोम का धागा निकाल करके उससे वर्क करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 दिन लगता है। उसके बाद जो वेस्ट पीतल होता है उससे उसकी भलाई की जाती है, और करीब करीब 17-18 दिनों में ये जाकर के पूरा होता है प्रक्रिया, और उसको लास्ट वैक्स प्रोसेस करते हैं। जहाँ जहाँ वैक्स होती है वहाँ वहाँ पर पीतल रंग चल जाता है और वो मुक्ति का निर्माण होता है। और इसी तरह लौह शिल्प है, लोहे का उसको पिक करके बनाया जाता है, मिट्टी का टेराकोटा का आर्ट होता है, छोटे छोटे जितनी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, गमले हैं, और नारायणपुर नाम का जगह है जहाँ पर इसका बहुत अच्छा काम होता है। और बस्तर और छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, छत्तीसगढ़ में चंपारण नाम का जगह है जहाँ काफ़ी गुजरात से श्री कृष्ण जी का बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, गुजरात से पूरा ट्रेनों में बसों में लगातार वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ विजिट करके जाते हैं लाभ। और छत्तीसगढ़ का जो ये आर्ट है, इसमें शिल्पी हर सप्ताह में अपने यहाँ डांस करते हैं, बीच में भोजन रेडी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे के ग्रुप में डांस करते हैं, बीच में उनका जैसे म्यूजिक डायरेक्टर होता है उसी तरह से उनका म्यूजिक डायरेक्टर होता है, और वो पूरा ट्राइबल डांस करते हुए रात को हर हफ्ते में ये लोग करते हैं रात के अंधेरे में शाम, और जिस प्रकार होटलों में पार्टियां होती हैं उसी तरह से उनके एंशियंट टाइम से जितने भी जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग भोजन तैयार करके भोजन बीच में रख के और पूरे लोग करीब 30-40-50 लोग मिल करके उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उसको अपने घरों में भी जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं रोजमर्रा का बहुत सारी चीजें निर्माण करते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, या यहाँ छत्तीसगढ़ ऑलरेडी गुजरात से और काफी प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, यहाँ के जो महाराजा हैं बस्तर उनका ननिहाल गुजराती है, और हम लोग भी काफ़ी राज्य में काफ़ी मतलब ट्रेडिशनली लोग गुजरात से भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, इस आर्ट का क्राफ्ट का निर्माण करके ट्राइबल रिमोट इलाके से विदेशों में देश के विभिन्न जगहों में हम लोग भेजते हैं। Indeed, this is a program. There is a great honor for me to be associated with that, and in the course of
preparation of this program and of previous works, even I went through a wonderful learning experience. And it's a great honor that we are part of India, this for unity in diversity. And as respected Chandana Mandal ma'am and respected Dr. Jaydeep Daswal said that this is this oneness, this is this unity and diversity that our stakeholders have to invite. And I'm very proud to say that we have got a team of students with us who are ready with their questions. And again, I feel elated to share with all of you that they were really keen and curious to know more about the session, to ask about anything that's related with the session. And without taking much time, I would like to devote the time to the questions and queries by the students. And at the onset, may I request to Master Richanj Jain from Kendra Vidyalaya Vaidhasi Ankleshwar to ask his question. Richanj. A very warm good morning, good afternoon to the dignitaries present here. I feel very privileged to present my school in this seminar of Ek Bharat Shreshth Bharat. My name is Richanj Jain and I study in class 9B in Kendra Vidyalaya Vaidhasi. These are my questions for the art and craft for Bastar. Sir, my first question is, what are the tools used for creating art and craft in such a girl? So my second question is, which are the main... Thank you so much, sir, for giving this beautiful and wonderful information. Thank you so much. And thank you so much, ma'am, and all the dignitaries for inviting me and giving me this opportunity to share my information and also for gaining such a beautiful information. Thank you. Thank you very much. I am very sure that the members of digital team must have taken the snapshot, and it's certainly going to be a valuable moment for all of us, and really a precious moment that we are surrounded by inquisitive minds, and we are surrounded by such a resourceful person who is really having a vast and rich experience in his field. And so it's really wonderful that you have answered many queries, and still they are there. And it is said that curiosity is basically the genesis of great things and great A very good evening to all of you. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks on behalf of Regional Office Ahmedabad. First of all, I would like to thank Sri Rakesh Agrawal ji, the Secretary Bastar Kala Vikas Sansthan, for sparing his valuable time. I logged in into this meet and I found when only 40 to 42 people were connected, sir was already in. So that the punctuality is really saluted, sir. You were well before time joined, you have joined well before time to interact with us, and our children especially, they were enlightened. In the session, they could put forward their queries and you could satisfy their queries. And it was really amazing to see children putting their queries forward instantly, and many more could not put forward their queries. So we hope to see you again in the next webinars to resolve the issues and the questions that are there in their minds, these growing up children. And we adults, especially, I would say, even I would also enlightened by all the forms of arts and crafts that you told in detail while resolving the queries of these children. Thanks a lot, sir. Thank you very much. And I would like to thank Chandana Mandal madam for sparing her valuable time out of her busy schedule to attend this webinar, that the first regional webinar that was conducted by Ahmedabad region. I would also thank RDC sir, Dr. Jaydeep Das sir, for his valuable guidance from time to time, right from the inception of the concept that we started off as we received the letter from KVS headquarters
the guidance and motivation that we keep on receiving from him makes our programs more wonderful. And I would like to share on this platform that I have worked with both these DCs, sir, as well as Chandana madam. One thing is common in both of them, that they give a free hand to their subordinates to put forward their views. This is something really wonderful and beautiful. If our higher authorities are giving us the free hand, we work with more zeal and enthusiasm and try to come up to the level of expectations. And the support of principals that we get, especially the team that work day and night, Mamta madam sending me messages at 1 o'clock even at the night for some specific work. Then in the morning I used to see the message I have received from Mamta madam, JV madam. These two had worked very hard along with the support of Pyas sir, Amrish sir, that means sir, and Mishra ji. The team of 6 principals, they had been guiding the teachers as well, so that we came up so wonderfully. So thanks to all these principals, along with the teachers, those who had been working since last few days to make this webinar a success. Thanks to all the children who are connected through Google Meet, as well as our children of Ahmedabad region as well as Raipur region, those who have connected through YouTube and Facebook. In between, I was just looking into the YouTube, children are posting their comments as well. So there, we felt happy that children are also liking our program. They were viewing it on YouTube, Facebook. I could only see the YouTube. So I hope children had enjoyed today's webinar, and there are many more webinars in sequence where you all will get, you and all, opportunity to know more about Chhattisgarh. So today's session, we learned a lot. We came to know a lot many things which we were not knowing regarding Chhattisgarh. So children, this is the beginning, and many more webinars will definitely are going to enrich our knowledge about our paired state, that is Chhattisgarh. A very big thanks to all the people who are being named, and all those also who are working day in and out for behind the scene. There are many more people who work behind the scenes, so they also need appreciation on behalf of regional office. Those team members, those who had been working behind the scenes, our thanks must be conveyed to them through the principals, those who are connected with us today in this webinar. Thanks a lot to all of you. May God keep you all safe in this pandemic. केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद संभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की बस्तर कला एवं क्राफ्ट पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें अहमदाबाद संभाग के चुनिंदा विद्यार्थियों द्वारा बस्तर कला से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर किए गए। इस वेबिनार में बस्तर कला विकास संस्था छत्तीसगढ़ के सचिव राकेश अग्रवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। वेबिनार में मुख्य अतिथि में केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद संभाग के उपायुक्त डॉ. जयदीप दास और केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग की उपायुक्त चंदना मंडल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत और गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के सुंदर समन्वय पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की थी। वेबिनार में छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन को दर्शाता एक वर्चुअल टूर भी करवाया गया था। अंत में सहायक आयुक्त श्रुति भार्गव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया था। इस वेबिनार का YouTube और Facebook पर सीधा प्रसारण किया गया था, जिसे करीब 3000 लोगों ने देखा। वेबिनार को सफल बनाने में प्राचार्य जेमी जेम्स, डॉ. ममता सिंह एवं IBSB की डिजिटल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अंतर्गत छत्तीसगढ़नी बस्तर कला अने क्राफ्ट उपर वेबिनार योजवामां आव्यो हतो, जेमां अहमदाबाद विभागना पसंदगीना विद्यार्थीओ द्वारा बस्तर कला ने लगता विविध विषयों पर आधारित प्रश्नों पूछवामां आव्या हता। आ वेबिनारमां बस्तर आर्ट्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ना सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल एक खास आमंत्रित तरीके हाजर रह्या हता, जेमणे तेमनी रजूआत द्वारा बस्तर कळानी विशेषताओ विशे माहिती आपी हती अने बाळको द्वारा पूछायेला विविध प्रश्नोना जवाबो पण आप्या हता।
नोधनीय छे के वेबिनार मा छत्तीसगढ़ ना क्षेत्र नी संस्कृति अने पर्यटन ने दर्शावती वर्चुअल टूर पण योजवामा आवी हती। केवीएस अमदावाद प्रदेश ना डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर जयदीप दासे जणाव्यु हतुं के गुजरात अने छत्तीसगढ़ ना बाळको एकबीजा ना प्रदेश नी कला संस्कृति भाषा खानपान अने वेशभूषा विशे जाणी शकशे। भारतीय एकता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस वर्ष गुजरात राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य के साथ आपस में तालमेल स्थापित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ के बच्चे आपस में एक दूसरे की कला, लोक संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा, इन सब चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस अवसर पर हम एक वेबिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोग आपस में मिलकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे। यहाँ के कलाकार उन भावनाओं को घर पर बच्चों को यहाँ की संस्कृति के बारे में विशेष रूप से बताते हैं। Thank you.